अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या होगा कि आप सपोज करें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ए, कैपिटल ए और बी। तो जब इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारे पास कैसे आता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, और यही डिफरेंस अगर हम यहां से निकालें थर्ड टर्म में से तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। अब यहां पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस ए, फर्स्ट टर्म माइनस करी थी, यहां पे है b माइनस ए। अब दोनों ए एक तरफ ले आए, a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये माइनस ए इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आपके पास a क्या आया, a प्लस बी अपॉन टू। तो जो ये a आया है आपके पास, ये आपके पास आया है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, ठीक है, जो मिडिल टर्म के जरिए आपके पास आएगा। तो हमने ए एम मालूम करना है, किसके दरमियान, 4 एंड 9.7 के दरमियान में। तो यहां पे जो है आपके पास ए क्या है 4, और बी आपके पास होगा यहाँ पे 9.7। तो अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, इसका फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस बी अपॉन टू। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9.7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आएगा 13.7 डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास ए एम आ जाएगा 6.85। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट, यहाँ पे 8 इंटू 324 प्लस 1, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 25 अपॉन 8, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 प्लस 4, ये आपके पास आएगा 39 अपॉन 5। फॉर्मूले में आपने पुट करना है, ए एम का फार्मूला आपके पास है, ये हो जाएगा 25 अपॉन 8 प्लस 39 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, यहां से आपके पास एलसीएम आ जाएगा 40, और ऊपर आपके पास क्या बचेगा, 125 प्लस 312 डिवाइडेड बाय 2। और ये फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 125 प्लस 312 आपके पास आएगा 437 डिवाइडेड बाय 40, डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 40 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एम आपके पास आएगा 437 डिवाइडेड बाय 80, जो कि आपके पास बनेगा, चाहे तो आप इसको डेसिमल में लिख लें या आप इस तरह से आप इसको लिख लें, कैसे, 80 इंटू 5 400 होता है, 400 में आप प्लस करें 37 तो 437 आता है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, ए एम आपके पास बराबर आएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। जनाब यहाँ से आपके पास b से b कैंसिल तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास यहाँ पे am आ गया। इसी तरह से आपके पास 4 पार्ट में आपको दिया हुआ है तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा am इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर
माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई आपस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ऊपर से टू हमारे पास कॉमन आएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, डिवाइड में टू है, टू से टू कैंसिल, तो जनाब आपके पास इसका ए एम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है इंसर्ट फोर ए एम्स यानी मीन्स बिटवीन 18 एंड 3। तो जनाब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे सबसे पहले तो लेट करेंगे एम वन एम टू एम थ्री एम फोर बी फोर अरिथमेटिक मीन्स। तो जनाब हमारी एम पी क्या बनेगी, ए पी क्या बनेगी हमारी, हमारी ए पी बन जाएगी 18 से 3 के दरमियान है, तो पहले टर्म 18 है, सेकेंड टर्म एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड थ्री आर इन ए पी। तो जनाब हमारे पास यहां से ए कितना आएगा 18, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एन भी हमें पता है, एन हमारे पास कितनी है टोटल 6 टर्म हो गई, तो एन कितनी आ गई हमारे पास 6। इसी तरह से हमें जो हमारी 6 टर्म है उसकी वैल्यू भी पता है, छठे नंबर पे जो हमारी टर्म है वो क्या है हमारे पास 3। तो जनाब हम यहाँ से डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, वो कैसे हम करेंगे, हम लगाएंगे टी एन का फॉर्मूला, तो जनाब टी एन हमें कितना दिया हुआ है 3, ए 18 है प्लस एन हमारे पास है 6, डिफरेंस हमें मालूम करना है, तो जनाब ये हो जाएगा 3 18 प्लस 6 डी माइनस डी। इसी तरह से ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 18 और जनाब यहाँ से आपके पास बचेगा 6 डी माइनस डी, तो यहाँ से तो आपके पास आ गया 15, यहाँ आपके पास बचे 5d माइनस 15, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू डी, तो जनाब आपके पास डिफरेंस आ गया माइनस 3। तो जनाब हमारे पास यहाँ पे जो एम वन है ये क्या होगा, ये सेकंड टर्म है एक तरह से हमारे पास, ये तो ए टर्म में जो भी डिफरेंस है वो प्लस होगा, तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, डिफरेंस कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म में से, हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसी तरह से फर्स्ट टर्म में अगर हम नेक्स्ट टर्म ऐड कर दें या डिफरेंस ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी नेक्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास एम वन जो है वो किसके बराबर है ए प्लस डी के, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 और एम वन आपके पास आ गया है 15, ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास एम टू क्या होगा, एम टू आपके पास जाहिर सी बात है सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो एम टू आ जाएगा एम वन प्लस डी, तो एम वन है आपके पास 15, डिफरेंस माइनस 3 है ये हो जाएगा 15 माइनस 3 जो कि आपके पास आएगा 12। इसी तरह से एम थ्री आपके पास क्या होगा एम टू प्लस डी, तो जनाब ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस 3 एम टू आपके पास है 12, तो जनाब ये हो जाएगा 12 माइनस 3 तो आपके पास आएगा 9। इसी तरह से एम फोर आपके पास क्या होगा एम थ्री प्लस डिफरेंस, एम थ्री आपके पास 9 है डिफरेंस माइनस 3 है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 तो जनाब ये आपके पास आ जाएगा 6। तो आप क्या लिखेंगे 15 12 9 एंड 6 आर 4
अरिथमेटिक मीन्स, ये आपको जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स के, क्वेश्चन नंबर टू के सेकंड पार्ट में हमारे पास है सिक्स एएम्स बिटवीन 12 एंड 29.5, तो हमारी एपी क्या बनेगी? एपी हमारी होगी सिक्स एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एंड 29.5। तो जनाब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए कितना है, यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो हमारे पास ए जो है 12 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो एन है वो कितना होगा, एन हमारे पास 8 आएगा क्योंकि टोटल 8 टर्म्स बन रही हैं। इसी तरह से टी 8 भी हमें गिवन है, यानी आठवें नंबर आठ टर्म्स जो है, आठवीं टर्म जो है, इसकी क्या वैल्यू है 29.5। तो हम डिफरेंस निकालेंगे टी एन के फार्मूले से, तो जनाब टी एन आपके पास है 29.5, ए 12 है, एन आपको गिवन है 8 माइनस 1 बचा टी, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 29.5 माइनस 12 इज इक्वल टू 8d माइनस d। तो जनाब 29.5 में से माइनस 12 किए तो आपके पास बचे 17.5, यहाँ से आपके पास बचा 70, तो जनाब डिफरेंस आपके पास आया 17.5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक हो गया। अब हमने देखा था कि हमारे पास और यानी और इसको आप ये भी ले सकते हैं 2.5। ठीक हो गया। तो जनाब यहाँ से आपके पास m1 आ जाएगा, m1 क्या होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी ये हमारे पास है 12, डिफरेंस आपके पास आएगा 2.5 का, तो ये बनेगा 14.5। इसी तरह से m2 ये होगा m1 प्लस डी, m1 आपके पास 14.5 है, डिफरेंस आपके पास है 2.5 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 17। इसी तरह से m3 आपके पास होगा m2 प्लस डी, m2 आपके पास 17 है, डिफरेंस 2.5 है, तो ये हो जाएगा 19.5। इसी तरह से आपके पास है m4, ये होगा m3 प्लस डी, m3 है 19.5, डिफरेंस है 2.5 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 22। इसी तरह से m5 आपके पास हो जाएगा m4 प्लस डी, यहाँ से हो जाएगा 22 प्लस 2.5 जो आपके पास बनेगा 24.5। m6 आपके पास आ जाएगा m5 प्लस डी, ये हो जाएगा 24 प्लस 22.5, ये हो जाएगा 27। तो जनाब आप लिखेंगे 14.5, 17, 19.5, 22, 24.5, 27 आर 6 अरिथमेटिक मीन्स, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपके पास कह रहा है 15 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 67 एंड 43, यानी कि आपकी जो एपी बनेगी वो होगी 67 एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन एम एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड 43। तो ये आपके पास टोटल कितनी टर्म आएंगी, ये टोटल टर्म्स आपकी बनेंगी 17, तो एन आपके पास 17 हो गया, और टी 17 के वैल्यू आपके पास हो गई 43, और ए आपके पास हो गया 67। तो जनाब वही टी एन का फॉर्मूला आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 43 इज इक्वल टू 67 प्लस एन आपके पास गिवन है 17 माइनस 1, ये हो जाएगा डी। तो जनाब यहाँ से आपके पास आएगा 43 माइनस 67 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16 डी। तो जनाब 43 माइनस 67 होगा तो आपके पास बचेगा माइनस 24, 16 मल्टीप्लाई में हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो जनाब ये आपके पास बचेगा, डिफरेंस आपके पास आएगा माइनस 1.5। तो जनाब यहाँ से हमारे पास एम वन आ जाएगा, एम वन क्या है ए प्लस डी, जनाब ये हो जाएगा 67 माइनस 1.5, तो ये आपके पास आएगा 65.5। इसी तरह से एम टू आपके पास आ जाएगा एम वन प्लस डी, तो जनाब एम वन प्लस डी आपके पास हो जाएगा 65.5 माइनस 1.5, ये आपके पास बचेगा 64। तो जनाब एम थ्री भी आपके पास आ जाएगा एम टू प्लस डी, ये हो जाएगा 64 माइनस 1.5, ये आपके पास बचेगा 62.5। इसी तरह से एम फोर आप मालूम कर लेंगे, एम फोर आपके पास होगा एम थ्री प्लस डी जो कि आपके पास आएगा 62.5 माइनस 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 61। इसी तरह से आपने 15 तक निकालना है तो 15 आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 15 के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास लास्ट टर्म है उसमें से माइनस डिफरेंस कर दें, ठीक है, वरना आप जब टोटल करते हुए आएंगे तो आप एम 14 में ऐड कर देगा डिफरेंस, तो आपके पास एम 15 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट एम 15 निकाल लूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टी 17 में से माइनस कर दूंगा डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 43 माइनस माइनस 1.5 जो कि मेरे पास हो जाएगा 43 प्लस 1.5, तो ये मेरे पास आएगा 44.5। तो जनाब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 65.5, 64, 62.5, 61 और सारे आप लिखेंगे 15 तक 44.5 आर 15 ए एम्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का फोर पार्ट कह रहा है 4 ए एम्स बिटवीन ए माइनस वी ए माइनस बी एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम नाइन ए प्लस 11 बी। तो जनाब ये टोटल हमारे पास टर्म कितनी हो रही हैं, 6, ए की वैल्यू हमारे पास है ए माइनस बी और टी 6 हमें गिवन है 9 ए प्लस 11 बी, तो डिफरेंस हम सेम फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, ये हो जाएगा 9 ए प्लस 11 बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 6 माइनस 1 डी, ये आपके पास आएगा 9 ए प्लस 11 बी और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 डी। तो जनाब यहाँ से हमारे पास आएगा 8 ए प्लस 12 बी अपॉन 5 इज इक्वल टू डी, तो जनाब हमारे पास डी आ गई है। अब हमने क्या करना है, एम वन मालूम कर लेना है, ये होगा ए प्लस डी, ए हमारे पास है ए माइनस बी, डिफरेंस हमारे पास है 8 ए प्लस 12 बी अपॉन 5, तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा तो ये होगा 5 ए माइनस 5 बी प्लस 8 ए
प्लस 12p, तो यहां से आपके पास आएगा 13a प्लस ये हो जाएगा 7b डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से आपने m2 फाइंड करना है, m2 आपके पास क्या होगा m1 प्लस t। तो जनाब m1 आपके पास है 13a प्लस 7b डिवाइडेड बाय 5 प्लस डिफरेंस आपके पास आया 8a प्लस 12b डिवाइडेड बाय 5। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 5 एलसीएम कॉमन आएगा, ऊपर बचा 13a 7b प्लस 8a प्लस 12b, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 21a प्लस 19b डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से आपके पास m3 आ जाएगा, ये होगा m2 प्लस d। m2 आपके पास है 21a 19b अपॉन 5 प्लस डिफरेंस आपके पास है 8a प्लस 12b अपॉन 5। तो जनाब एलसीएम आया आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 21a प्लस 19b प्लस 8a प्लस 12b, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 29a प्लस 31b अपॉन 5। m4 मालूम करना है, m3 प्लस d, तो जनाब m3 हमारे पास है 29a प्लस 31b अपॉन 5 प्लस डिफरेंस हमारे पास था 8a प्लस 12b अपॉन 5। तो जनाब एलसीएम आपके पास आया 5, ऊपर आपके पास बचा 29a प्लस 13b प्लस 8a प्लस 12b, तो जनाब आपके पास आएगा 29a प्लस 8a ये हो जाएगा 37a प्लस 31 प्लस 12b होगा 43b अपॉन 5। ठीक है, आपके पास चारों एम आ गए, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन कह रहा है इफ n AMs are inserted between 1 and minus 50 and the 6th mean is minus 5, यानी इसने दिया हुआ है m6 जो है ये कह रहा है minus 5 है, कह रहा है n find करें, n कौन से जो n AMs हैं 1 and minus 50 के दरमियान। ठीक है, तो arithmetic means कितने हैं वो find करना है कि 1 से minus 50 के दरमियान कितने हैं। तो जनाब यहां पे हमारे पास a कितना गिवन है 1, तो जनाब हम n सपोज करेंगे, यहां पे हम सपोज करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो tn की वैल्यू है यानी के वो कितनी है माइनस 50 tn प्लस 2, क्योंकि हमने क्या n सपोज किया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या सपोज करी है n प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास tn प्लस 2 कितना है माइनस 50। इसी तरह से जो हमारी m6 है वो अगर हम सीक्वेंस में रखें 1 के बाद m6 जो है कौन से नंबर पर आएगी t 7 पर आएगी, तो ये है माइनस 5 या m6। ठीक है, मीन तो 6 होगा लेकिन जो सीक्वेंस में आएगी 1 के बाद अगर हम छठा मीन को देखें तो वो सातवें नंबर पर आ रहा होगा, तो हम t7 को हम माइनस 5 सपोज कर देंगे, तो इसके लिए हमारे पास n कितना हो जाएगा 7। तो जनाब यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है tn is equal to a plus n minus 1 d, tn कितना है minus 5, a कितना है 1, n कितना है 7 minus 1 d।
तो माइनस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिक्स डी, माइनस सिक्स अपॉन सी इज इक्वल टू डी, और डिफरेंस आपके पास आ गया यहाँ से माइनस वन। तो जनाब अब हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंस आ गया, तो हम अब टी एन प्लस टू के फॉर्मूले से हम एन मालूम कर सकेंगे। कैसे? तो हम लिखेंगे टी एन प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस, एन की जगह क्या आ जाएगा, एन प्लस टू माइनस वन, डिफरेंस आपके पास कितना है माइनस वन। तो जनाब यहां से टी एन प्लस टू की वैल्यू हमारे पास थी माइनस फिफ्टी, ए वन है, यहां से आपके पास बचेगा एन प्लस वन और ये माइनस वन, तो माइनस फिफ्टी अपनी जगह, यहां से माइनस वन आया, यहां से आपके पास क्या आएगा माइनस एन प्लस माइनस माइनस वन। तो जनाब यहां से ये हो रहा है माइनस का फिफ्टी वन, यहां से एक माइनस वन है, ये इक्वल टू किस तरफ आके प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन, ये हो जाएगा माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू माइनस एन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एन आपके पास आएगा फिफ्टी, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है इफ एन ए एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज वन, लास्ट टर्म नहीं कहेंगे, लास्ट मीन्स कहेंगे, ठीक है, कितनी है वन रेशो थ्री, कह रहा है फाइंड करें एन, ठीक हो गया, यानी कि 20 से लेकर कितने एन ए एम्स इंसर्ट हैं, यानी कि एम वन एम टू होगा एम थ्री होगा, ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा एम एन, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 80, ठीक है। तो जनाब यहां से देखें, अगर हमारे पास एम एन जो है ये क्या होगा, लास्ट मीन क्या होगा हमारे पास, हम लास्ट टर्म में से माइनस कर देंगे डिफरेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा उससे पहले वाली टर्म, अगली टर्म कैसे आती है डिफरेंस ऐड करने से, और प्रीवियस टर्म कैसे आती है डिफरेंस माइनस करने से, ठीक है। तो एम एन हमें मिल गया 80 माइनस डी, इसी तरह से आपके पास एम वन क्या होगा, एम वन आपके पास आएगा फर्स्ट मीन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी ए प्लस डी, अगली वैल्यू है डिफरेंस ऐड हो रहा है, यहां पे प्रीवियस वैल्यू थी डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा था। तो जनाब हमें क्या मिला, अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट मींस का रेशियो दिया हुआ था, यानी फर्स्ट हमारी टर्म ऊपर आ जाएगी, ये होगा 20 प्लस डी, ये कितना है आपके पास 20, और लास्ट लास्ट मीन आपके पास है 80 माइनस डी, बराबर है रेशियो कितना है 1/3 का। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 3, यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रहेगा 3 20 प्लस डी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 80 माइनस डी, तो जनाब ये हो जाएगा 60 प्लस 3D इज इक्वल टू 80 माइनस डी, ये 60 इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, ये डी इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 3D प्लस डी इज इक्वल टू 80 माइनस 60, ये होगा 4D इज इक्वल टू 20D, बराबर आएगा 20 अपॉन 4 के, तो यहां से आपके पास D की वैल्यू आ गई 5, जनाब आपको डिफरेंस मिल गया। अब आपने क्या मालूम करना है, जनाब इससे आप लास्ट मीन की वैल्यू फाइंड कर लें, एम एन हमारे पास था 80 माइनस डी, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 80 माइनस 5, और एम एन आपके पास आ गया 75। तो जनाब इस फार्मूले इस टर्म के जरिए हम एन मालूम कर सकते हैं कि कितने अरिथमेटिक मीन है। कैसे? हम यहाँ पे टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी तो हमारे पास है, तो टी एन है ना, इसकी जगह हम एम एन की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें
एम एन तक के एन मालूम करने हैं, तो जनाब ये होगा एम एन इज इक्वल टू, ए आपको गिवन है जो कि आपके पास है, तो ए भी यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ए की जगह आपके पास आएगा एम वन, क्योंकि हम एम वन से लेके एम एन तक की वैल्यूज फाइंड एन टर्म्स मालूम करेंगे कितने ए एम से। ठीक है, एम वन हमारे पास था ए प्लस डी, तो ए हमारे पास कितना था 20, डिफरेंस हमने कितना निकाला था, डिफरेंस हमने निकाला था 5 का, तो हमारे पास एम वन आया 25, तो एम वन की जगह रखेंगे 25 प्लस एन हमें मालूम करना है माइनस वन, डिफरेंस हमारे पास है 5 का, एम एन हमारे पास है 75, 25 यहाँ के माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 5n-5, तो जनाब यहाँ से आपके पास आएगा 50, इसी तरह से प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 5 इक्वल टू इस तरफ आके यहाँ बचेगा 5n, तो ये हो जाएगा 55/5 इज इक्वल टू n, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू इस तरफ आके डिवाइड में, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11, तो जनाब आपके पास यहाँ से 11 आया, तो आपके पास कितने ए एम्स हैं, 11 ए एम्स हैं बिटवीन 20 and 80। यहाँ आपका आंसर हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।